एक बात याद रखना, धन चाहिए तो धनवान से मांगो। समझ में आ रहा है? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है। धन चाहिए धनवान से मांगो, विद्या चाहिए विद्वान से मांगो। ध्यान रखना, बल चाहिए बलवान से मांगो, भगवान चाहिए तो भगवान से मांगो। ध्यान रखिए, भगवान से केवल भगवान ही मांगना चाहिए, बाकी चीजें तो आदमी अर्जित कर लेता है। ईश्वर का भी मौका दे तो भगवान से कुछ मत मांग बैठना, बड़ा घाटा हो जाएगा मेरे भाई। क्या कहना? हे प्रभु, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहां यूं भी वाह वाह है, यहां त्यों भी वाह वाह, जो तेरे देना है दे दे। राम ने कहा, हनुमान दिलवा दूं कि और लंबा चलूं? कौन बोला, महाराज लेना देना राम हनुमान को, हमको तो घर जाना है। ध्यान रखिए, राम ने कहा हनुमान मांगो, हनुमान ने कहा प्रभु इतनी जिद कर रहे हो। ध्यान रखना, क्या जीवन है, राम जिद कर करके दे रहे हैं और तुम राम से जिद कर करके ले रहे हो। हनुमान ने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, जितना मना करो उतना मजा आता है। ध्यान रखना, निषेध में बड़ा आकर्षण होता है, जिस चीज को मना करो मन वहीं वहीं जाता है दौड़ करके। राम ने कहा कि हनुमान प्लीज मांग लो, इनको घर जाना है पूना वालों को। हनुमान ने कहा प्रभु जब इतनी जिद ही कर रहे हो तो जो तुम्हें देना हो वो। अरे राम ने कहा तुमने फिर मुझे चक्कर में डाल दिया। ध्यान रखना, यदि आप किसी से कहो कि तुम अपने मन से दे दो तो टेंशन में हम नहीं वो होता है, दें तो क्या दें। मेरे पास लोग आते हैं, महाराज हम जब बाहर से दर्शन करने आते हैं महाराज को क्या दें, एक घंटा तो उनका टेंशन ही चलता है क्योंकि मुझे कुछ जरूरत ही नहीं। तुम तो कोई पेन ले आओगे, डायरी ले आओगे, घड़ी ले आओगे, डायरी और क्या लेकर के आओगे। आदमी सोचने में हैरान हो जाता है कि लेके जाऊं तो क्या जाऊं। किसी को कह देना तुम अपनी मर्जी से दे दो, अपन फ्री वो फंसा, अब वो रात दिन सोचती रहेगा क्या दूं क्या दूं क्या दूं। ध्यान रखिए, मांगना मत कभी जिंदगी में, मांगना मरने के समान हुआ करता है। ध्यान रखना, कभी नहीं मांगना किसी से नहीं, पात्रता पैदा करना, मिल तो अपने आप जाएगा। ध्यान रखिए, हे प्रभु जो आपको देना है। अरे बोले फिर भी तुम्हारी कोई अर्जी तो लगाओ हनुमान, मैं राम तुमसे कह रहा हूं कोई अर्जी लगाओ। हनुमान भी बड़े होशियार थे, उन्होंने कहा प्रभु जो तुम्हारी मर्जी वही हमारी अर्जी। अरे हनुमान जी तुम बातों में उलझा रहे हो मुझे, देखो मांग लीजिए। राम ने कहा कि हनुमान कोई पद दे दूं तुमको? अरे बोले नहीं नहीं भगवान पद नहीं। बोले क्यों? अरे बोले पद ले लो, जो चाहे वो पद मैं तुमको दे सकता हूं। हनुमान ने कहा पद नहीं चाहिए, क्योंकि जहां पद होता है वहां मद भी होता है। ध्यान रखिए, पद और मद दोनों सगे भाई हैं। ध्यान रखना, जहां जहां पद होगा वहां वहां मद भी होगा। और एक बात और याद रखना, जब तक नेताओं को पद नहीं मिलता तब तक वो तुम्हारी सेवा करते हैं, और जिस दिन पद मिल जाता है उस दिन सेवा की नहीं जाती, सेवा करवाई जाती है। हे प्रभु यदि आपने मुझे पद दे दिया तो मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, पद नहीं चाहिए मुझे। पद वद के चक्कर में तो मुझे भगवान डालना ही मत जिंदगी में। ने कहा भाई तुम मुझे दूसरे चक्कर में डाल रहे हो, ध्यान रखना जो सेवा बिना पद के की जाती है ना वो सेवा बड़ी पवित्र सेवा हुआ करती है, जिसके बाद कोई याचना नहीं होती है। भगवान महावीर ने सम्यक दर्शन के अंग में कहा है निकांचित अंग, कांचा नहीं करना, अपना कर्तव्य समझ के काम करना, बदले में कुछ भी पाने की चाहत मत रखना। एक होती है प्रार्थना और एक होती है याचना। आज मंदिरों में पुजारी कम भिखारी ज्यादा दिखते हैं, याचना करता है भिखारी और प्रार्थना करता है पुजारी। ध्यान रखना दोनों में बड़ा अंतर होता है, याचना और प्रार्थना में इतना गहन अंतर है
कि याचना वाला जाके भगवान से कहता है कि हे भगवान, जो तूने छोड़ा है वो मुझे मिल जाए, और प्रार्थना वाला कहता है हे भगवान, जो तूने पाया है वो मुझे प्राप्त हो जाए। ध्यान रखना, पुजारी कहता है कि तेरे जैसा पद मुझे प्राप्त हो जाए, मैं ईश्वर को प्राप्त कर लूं, और भिखारी कहता है जो तूने छोड़ा है, जब मेरी दीक्षा हुई चकोर जी कानपुर में, मेरे आभूषण मेरे वस्त्र उतार के फिकाए गए, ऐसा नजारा मैंने देखा, मुझे हंसी आई अपनी दीक्षा में कि मैं तो कपड़े उतार उतार के फेंक रहा हूं, पब्लिक लूट लूट के परेशान है, पब्लिक कह रही महाराज की अंगूठी मिल गई, कोई कह रहा चैन मिल गई, कोई कह रहा कपड़े मिल गए, वाह रे जीवन। मैंने कहा क्या देखने आए हो तुम, दीक्षा देखने आए हो? जो मैं छोड़ रहा हूं उसे बटोर रहे हो, या जो मैं पा रहा हूं उसे देखने के लिए तुम यहां पर उपस्थित हुए? क्या चाहिए तुम्हें, मेरा वैभव या मेरा सन्यास, मेरी विरक्ति, मेरा वैराग्य? क्या होता है, लोग कपड़े लूटते हैं, आभूषण लूटते हैं, दत्त तेरे की तरवर के पास गए और भूखे के भूखे लौट कर आ गए, प्यासे थे नदी के पास गए और प्यासे लौट करके वापिस। संतों के पास क्या मांगना, सोना चांदी हीरे मोती तो घर में पड़े हुए है ना, किस लिए आए हो यहां? कुछ जीवन का सत्य हमको प्राप्त हो जाए। ध्यान रखिए, पदाकांक्षा की अंधी दौड़, जब पद के लिए कोई भागता है विकास ठप हो जाता है। कितना भी कहो कि विकास होगा विकास होगा विकास होगा, वो ठप है विकास। ध्यान रखिए, यदि कुर्सी की चाहत है, ध्यान, आज देश का पतन कुर्सी की दौड़ से हो रहा है मेरे भाई, कुर्सी दौड़ रखी। राम राज्य लेकर के आइए, राम राज्य तो वो राज्य था, राम जी कहते हैं भरत जी तुम कुर्सी पर बैठो, और भरत जी कहते हैं राम जी तुम कुर्सी पर बैठो, हमें कुर्सी पर नहीं बैठना। ध्यान रखिए, बड़ी दौड़ मची है, ओलंपिक गेम होते हैं ना, उसमें गोल्ड मेडल मिल सकता है दुनिया को, भारत को यदि दो काम कर दिए जाएं तो हर बार गोल्ड मेडल मिलेगा। सो बात आई, दो काम ओलंपिक गेम में, दो गेम और रख दिए जाएं, कोई दुनिया मुकाबला नहीं कर सकती है। यदि दो गेम रख दो ओलंपिक में, एक तो कबड्डी और एक कुर्सी दौड़, भारत नंबर वन। ध्यान रखिए, कबड्डी में क्या होता है, कबड्डी में होता क्या है, कबड्डी में टांग खिंचाई, टांग खिंचाई में अपन लोग नंबर वन है, कोई अच्छा काम कर रहा है टांग खींचना अपना काम होता है। कबड्डी में गोल्ड मेडल मिल सकता है, कुर्सी दौड़ रख दी जाए तो उसमें भारत को गोल्ड मेडल जरूर मिल सकता है। ध्यान रखिए, बाकी में तो मुश्किल का काम लगता है, कुर्सी दौड़ है दिल्ली में, बस एक अगले साल कुर्सी दौड़ शुरू हो जाएगी।